गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द हिडन फीचर्स ऑफ द फॉर्च्यूनर। तो भाई इस वीडियो में हम हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल यूसेज या जिस नई गाड़ी परचेज करी है उसे शायद ना पता हो। तो ऐसे दो चार फीचर होंगे जिसके बारे में बात करूँगा। ये मेरी फॉर्च्यूनर 2023 मॉडल है, लेटेस्ट जो आप अभी अगर फॉर्च्यूनर शोरूम से परचेज करने जाओगे तो आपको यही वाली फॉर्च्यूनर मिलेगी, डीजल 4x2 ऑटोमेटिक के अंदर। गाड़ी के अंदर है सारे हिडन फीचर, बाहर तो कोई ज़्यादा हिडन फीचर्स है नहीं। बाहर से तो नॉर्मल ये गाड़ी जैसे पहले आती थी, दो चार फीचर्स ऐड हुए हैं पर वो हिडन नहीं है, मतलब नॉर्मल फीचर्स हैं। तो आपको जो मैं हिडन आपको मुश्किल से जो ढूंढने मिलेंगे वो वाले फ़ीचर्स बताता हूँ। ज़्यादा मतलब जो जिसने बिल्कुल ही नई कार परचेज़ करी है उसके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो, और जो कार परचेज़ करने वाला है उसके लिए। तो भाई पहले शुरुआत करते हैं ना भाई, गाड़ी में यहाँ पे आ जाता है, बहुत ही कम कार्स में आपको मिलता होगा फीचर। ये आप देख रहे हैं पी वाला, मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इस पे पी लिखा हुआ है, ये भाई पार्किंग सेंसर बंद करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में आप खड़ी कर रहे हो या फिर आपकी गाड़ी कई बार होता है भाई गेस्टेड फंक्शंस में चल रही होती है, रैली में चल रही होती है, तो यार वहाँ पे गाड़ी सारी चिपक चिपक के चल रही होती है आपकी कार से। तो बार बार इसमें जैसे आगे भी सेंसर है पीछे भी सेंसर है तो गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा अनोइंग साउंड बनाती है। तो उसको नलीफाई करने के लिए टोयोटा ने इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है सेंसर बंद करने का। अगर आपने जैसे येलो लाइट अगर इसने शो कर दी ना, बड़ा टेक्टाइल सा बटन है, जैसे इसने येलो लाइट शो कर दी ना आपका पार्किंग सेंसर टोटली बंद हो गया। गाड़ी के सारे पार्किंग सेंसर गाड़ी के बंद हो चुके हैं। और अगर जैसे आप उस एरिया से निकल जाओ जहाँ कम भीड़ थी, अगर आपको कहीं गेस्टेड फंक्शंस वगैरह जैसे रैलियों में गाड़ी चलती है, बारात में चलती है गाड़ी, तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो मैं इसे ऑन ही करके रखता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी नॉर्मल चलती है। भाई ये आ गया आपका DPF, जैसे आप ले सकते हो ये भाई, जैसे आपके गेट पर भी मेंशन होगा तो ये आता है आपका DPF के लिए। कई बार क्या होता है वैसे गाड़ी में प्रीसेट आता है कि अपने आप DPF क्लियर करती रहती है गाड़ी, पर कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए तो गाड़ी का आप DPF इससे क्लियर कर सकते हो। इस बटन को आप दबाओगे ना, ये देखो मैनुअल रजिस्ट्रेशन अनअवेलेबल। मैनुअल आपका जब ही अवेलेबल होगा जब आपके 6 bars हो जाएंगे। अभी जैसे मैं दोबारा दबा के दिखाता हूँ आपको, अभी 1 bar है तो इसलिए अवेलेबल नहीं है। तो भाई BS6 गाड़ियों में ये भी बड़ा काम का फीचर है। और लास्ट फीचर जो बड़ा छुपा सा रह जाता है आपका पावर गेट का, इस बटन से आप पावर गेट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और इसे आप प्रेस करके रखोगे, और अगर आप सेटिंग्स से भी चाहते हो तो इसे बंद कर सकते हो। आप सिर्फ आपको यहाँ से वर्किंग होगा, क्योंकि भाई क्या होता है कई बार मेरे साथ भी ड्राइवर वगैरह गाड़ी देते हैं ना, उन्हें लगता है भाई नॉर्मली खुलता होगा, तो ना गाड़ी भी अपना पावर लगा रही होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और वो हाथ से भी खींच रहा होता है, और उसमें थोड़ा लगता है कि ये सेंसर वगैरह इसके ख़राब ना हो जाए मोटर वगैरह। तो यहाँ से भी आप अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हो इसे। तो ये बटन मेनली क्या, अगर जैसे आप गाड़ी में बैठे हो आपको पीछे ड्राइवर को कुछ सामान देना है या फिर मॉल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा काम आता है चेकिंग के लिए, तो आप अंदर से भी कंट्रोल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको, जैसे की पे भी बटन दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं आपको की से भी करना है। तो भाई 3 मेरे हिडन फीचर्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब आता हूँ मैं अगले हिडन फीचर्स पे, जैसे ये हो गई अपनी MID। भाई छोटी सी MID पर ये बड़ी काम की MID है फॉर्चुनर की। MID के अंदर हम यहाँ चले जाएंगे ना सेटिंग्स के अंदर, तो व्हीकल सेटिंग्स के अंदर ये आपको मिल जाएगा पावर PBD, इसके पता नहीं मेरे को क्या फुल फॉर्म है, पावर डोर वगैरह ही होगा, पावर बैक डोर करके कुछ होगा। तो भाई अगर इसे आप ऑफ कर दोगे ना तो जैसे नॉर्मल गाड़ी में हाइड्रोलिक्स काम करते हैं ना, आपका ऐसे काम करना शुरू कर देगा ये। तो भाई आप इसे ऑफ कर सकते हो एज पर योर चॉइस, तो ये वैसे काम करना शुरू कर देगा। एक ये हिडन फीचर हो गया। अगले हिडन फीचर पर आता हूँ मैं, जो नई वाली फॉर्चुनर आई है ना 2023, उसके अंदर आपको मीटर कस्टमाइजेशन का भी मिल जाएगा। ये नॉर्मल में था पर ये नया जो स्लैब ऐड हुआ है कलर, जैसे अभी तो है भाई रेड कलर, यहाँ पे भी रेड है, अब मैं जाता हूँ भाई यहाँ पे ब्लूइश लाइट ब्लू, तो भाई यहाँ पे भी ब्लू हो गया। यहाँ जाता हूँ मैं ग्रे, तो यहाँ पे ग्रेइश वाइट हो गया, और जाता हूँ प्रॉपर ब्लू पे तो यहाँ पे ये हो गया। तो भाई इसमें 3 से 4 ऐसे आते हैं, और इन कलर्स के हिसाब से आपके बाहर के कलर्स भी इसके हिसाब से डिसाइड हो जाते हैं। तो MID में तो आपके यही फीचर्स थे। और जो एक और हिडन फीचर जो आपको मिलेगा, कई लोगों को नहीं पता भाई, कई गाड़ियों में नहीं आता, कैमरा फोकस कर ले, तो भाई आप इसमें ना ये भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको ऐसी ऑफ करना है ना विंटर्स में, तो आप ऐसी ऑफ कर सकते हो। कई लोगों का ये ऑफ रहता है कंपनी से आता है, फिर वो कहते हैं भाई हमारे तो AC का ब्लोअर काम नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी कम गाड़ियों में ये वाला फीचर आता है। तो आप यहाँ से अपने AC का ब्लोअर भी एडजस्ट कर सकते हो। और जो मैं हिडन फीचर के बारे में आ जाता हूँ आपके ग्लव बॉक्स में, मैं सामान थोड़ा यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे गाड़ी के ग्लव बॉक्स में आ गए ना, गाड़ी के ग्लव बॉक्स आपका कूल्ड है,
यहाँ कैमरा फोकस कर ले थोड़ा सा, ये जो आपको चिप्सी दिख रही है ना, इस आप ऊपर नीचे एडजस्ट करोगे ना आपका ग्लव बॉक्स कूल हो जाएगा, चिलर बन जाएगा। तो ये जैसे किसी ने नई गाड़ी ली है उसे ना पता हो तो ये भी बहुत अच्छा हिडन फीचर है कार का। मेनली तो आपकी गाड़ी में आगे इतने हिडन फीचर है। एक और हिडन फीचर है जो सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, आपका ये शिफ्ट लॉक, इसे आप जो आपकी गाड़ी की है ना उसके वो इंसर्ट करोगे ना इसके अंदर ये बटन निकल आएगा। और सपोज आपकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म है ना, तो ये जो आपको ये है ना बिना स्टार्ट, जैसे अब गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई तो ये स्टार्ट करने के बाद ही हिलता है, तो बैटरी डाउन हो गई आप और अगर आपकी गाड़ी कहीं पे आपको टो वगैरह करनी है, न्यूट्रल करनी है गाड़ी, तो भाई आप इसमें की डाल के इसका लॉक अनलॉक हो जाएगा अंदर से गियर बॉक्स, फिर आप इसे न्यूट्रल पे डाल के गाड़ी को ले जा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को गाड़ी के बारे में। तो जो नए नेक्स्ट फीचर के बारे में आते हैं वो बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो बाहर मिलता भाई आ जाते हैं अपने लास्ट हिडन फीचर के बारे में। तो भाई देखो, लोगों को पता है कि इसमें पावर आपका गेट है, जो आपका टेल गेट है पावर्ड है, तो यहाँ से इसे गाड़ी अनलॉक है तो इसे दबाओ भाई ऊपर आ जाएगा। पर इसमें भी भाई ये कैच है, अगर आपकी गाड़ी लॉक है ना तो ये नहीं आएगा। तो कई लोग क्या है उससे जैसे लेजेंडर में किक बैक करते रहते हैं, उनका आता नहीं, तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ क्या करते हैं, वो गाड़ी का अनलॉक नहीं करके रखते। तो टोयोटा ने इस समस्या के लिए, जैसे आपको गाड़ी बार बार ये थोड़ा ना, अगर आप यहाँ पे आओगे आपके हाथ में सामान है तो आप की से अनलॉक करोगे या फिर आप वहाँ से अनलॉक करके आओगे रिक्वेस्ट सेंसर से, तो भाई इस वाले मॉडल में टोयोटा ने, अगर आप मेरा कैमरा फोकस कर पाए तो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, मैं इसे नीचे करके दिखाता हूँ आपको, नीचे कर लेता हूँ मैं इसे फिर दिखाता हूँ आपको। कार अनलॉक करने का भी यहाँ से फीचर दे रखा है, यहाँ पे आप दो बटन लगा दिए, मतलब डिग्गी के अंदर भी रिक्वेस्ट सेंसर है, फॉर्चुनर के अंदर टोटल तीन रिक्वेस्ट सेंसर आने लग गए, अब दो आपके दोनों फ्रंट गेट्स पर और एक आपका टेल गेट पर भी आने लग गया है। ये देखो अब कैमरा फोकस कर लेगा, ये आपको दिख रहा है ये वाला जो गोल सा बटन है भाई, रिक्वेस्ट सेंसर काम करता है। जैसे मैंने दबाया, अभी तो गाड़ी जैसे मेरे अंदर स्टार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह आपको दिखाई थी, तो इस बटन से ना आप गाड़ी यहीं से अनलॉक कर सकते हो, यहीं पे लॉक कर सकते हो। आपने अनलॉक करी, टेल गेट दबाया, टेल गेट ओपन हो गया, फिर यहाँ से लॉक कर दिया, क्योंकि टेल गेट जब ही ओपन होता है गाड़ी का, जब गाड़ी अनलॉक होती है। तो भाई यही थे, मैं लिस्ट लंबी करने को तो मैं काफ़ी सारे गिनवा देता फीचर्स गाड़ी के, पर यही थे जो फीचर्स मेरे को लगे लोगों को नहीं पता होंगे। तो भाई ये टोयोटा फॉर्च्यूनर 2023 के मेरी वीडियो, होप यू लाइक इट।